हेलो दोस्तों, मैं नाम है अजय। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे मोबाइल की डिस्प्ले में जो स्पॉट आता है उसके बारे में। तो दोस्तों, आपने देखा होगा बहुत सारे फोनों में जो हमारे व्हाइट बैकग्राउंड होता है, तो व्हाइट बैकग्राउंड में कभी कभी देखा होगा व्हाइट कलर की स्पॉट आता है, जैसे कि कोई लाइनिंग आ जाना, स्पॉट की लाइनिंग जो आती है वो आ जाना, या फिर स्पॉट के डॉट आ जाना, या फिर कोई भी कैसे निशान होते हैं वो सब आ जाना। दोस्तों, ये निशान क्यों आते हैं व्हाइट बैकग्राउंड पे या किसी डिस्प्ले में, ऐसा क्यों होता है कि ये अचानक से व्हाइट स्पॉट आ गए हैं, अच्छी लग नहीं रही है? कोई सा भी सर दोस्तों हो, जैसे मोबाइल हो या आईपैड हो या कोई भी चीज़ हो, उनमें निशान आ जाते हैं। तो दोस्तों, ज़्यादातर जो निशान आते हैं वो सिर्फ आते हैं कॉपी डिस्प्ले में। अगर आपकी डिस्प्ले आपने चेंज करवाई है, कॉपी डिस्प्ले लगवाई है, तो उसके अंदर ज़्यादा चांसेस होते हैं डिस्प्ले में स्पॉट आने के। तो दोस्तों, स्पॉट कई तरह के होते हैं, जैसे कि लाइनिंग आ जाना वो एक स्पॉट होता है। दूसरा होता है दोस्तों, थोड़ा हर जगह धब्बे धब्बे पड़ जाना, वो एक स्पॉट होता है। तीसरा दोस्तों, एक और स्पॉट होता है ब्लू कलर का, ब्लू टाइप में स्पॉट होता है या काले स्पॉट होता है, वो सब स्पॉट दोस्तों कॉपी डिस्प्ले में आ जाते हैं। और दोस्तों, आपने देखा होगा कि ओरिजिनल डिस्प्ले जो होती है, ओरिजिनल डिस्प्ले में जो आईफोन की होती है, उसमें ज़्यादातर साइडों में दोस्तों पीले रंग की स्पॉट आते हैं, वो तो ओरिजिनल होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों, जब व्हाइट कलर की स्पॉट आते हैं अंदर, उससे थोड़ी दिक्कत होती है कि वो अच्छे लगते नहीं है, वो थोड़े से अलग लगते हैं। तो यही दोस्तों कारण होता है, अगर आपको कोई फ़ोन जो आपके पास आया है या आपने किसी से परचेज किया है या आपके पास कोई ठीक होने आया है, तो दोस्तों कभी, या आप कोई फ़ोन के यूज़र हो जिसके आपके फ़ोन में ये निशान आ गए हैं, तो दोस्तों कारण यही है कि आपने जो डिस्प्ले लगवाई है या आपने जो फ़ोन लिया है, जो आपके पास फ़ोन है दोस्तों, उसमें डिस्प्ले कॉपी लगी हुई है, तो उसकी वजह से ही ये स्पॉट उसमें आए हुए हैं। तो दोस्तों, इसमें स्पॉट के आने के कारण क्या होते हैं? तो दोस्तों, कारण ये होता है कि जैसे कि कोई कॉपी डिस्प्ले होती है, उसके ऊपर जैसे कि कोई पानी गिर जाना, या फिर कहीं प्रेशर से हो जाना, या फिर फ़ोन का डिस्प्ले पुराना हो जाना, उस कारण भी इसमें स्पॉट काफ़ी आ जाते हैं। दूसरा कारण दोस्तों ये है, अगर आपके इस डिस्प्ले के अंदर कोई स्पॉट पीले रंग का या फिर व्हाइट कलर का स्पॉट जो है कि आ रहा है, तो उसका दोस्तों कारण ये होता है कि डिस्प्ले के नीचे जो हमारा डिस्प्ले लगती है, तो नीचे से कोई प्रेशर पड़ रहा है, तो प्रेशर की वजह से उसके ऊपर स्पॉट आ रहा है। तो ये कारण भी होता है दोस्तों इसमें व्हाइट स्पॉट आने का। वो तो ज़्यादातर दोस्तों जो इसमें कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कुछ स्पॉट ऐसे होते हैं, धब्बे धब्बे से आते हैं दोस्तों, वो धब्बे जो होते हैं वो पीछे डिस्प्ले के रिफ्लेक्टर होता है, तो वो रिफ्लेक्टर की वजह से ही आते हैं। ज़्यादातर वो दोस्तों कॉपी डिस्प्ले होती है, तो कॉपी डिस्प्ले के रिफ्लेक्टर दोस्तों काफ़ी कामयाब नहीं है, वो लो क्वालिटी के होते हैं, तो इसलिए इसमें स्पॉट आ जाते हैं। दोस्तों, ओरिजिनल डिस्प्ले जो होती है, ओरिजिनल डिस्प्ले में कभी भी, ज़्यादातर देखना दोस्तों, ओरिजिनल डिस्प्ले में कभी स्पॉट नहीं मिलता है, बाय चांस कभी हो जाए तो मिल जाए, वरना किसी भी ओरिजिनल डिस्प्ले में स्पॉट आपको देखने को नहीं मिलेगा। मिलेगा दोस्तों तो व्हाइट बैकग्राउंड पीले जगह पे स्पॉट मिलेंगे, वो होते हैं ओरिजिनल। दोस्तों, बात करें एंड्रॉयड की, एंड्रॉयड फ़ोन के जितने भी फ़ोन होते हैं उनमें भी ये सब आ जाते हैं। ज़्यादातर सैमसंग के फ़ोनों में देखने को मिलता है, सैमसंग और MI में जो कॉपी डिस्प्ले होती है, उन कॉपी डिस्प्ले में दोस्तों व्हाइट कलर के निशान स्पॉट देखने को मिलते हैं। दोस्तों, यही चीज़ होती है जो डिस्प्ले में आपको दिखाई देती है, कभी ऐसा लगे कि यार मेरी डिस्प्ले में स्पॉट आ रहा है, ये कैसे आ गया? तो दोस्तों, अगर आपने डिस्प्ले चेंज करवाई तो डिस्प्ले की वजह से आया हुआ है। सभी डिस्प्ले में दोस्तों नहीं होता है, लेकिन कोई कोई कॉपी डिस्प्ले क्वालिटी इतनी ख़राब होती है कि वो स्पॉट में ले आती है। तो कभी दोस्तों आपके पास लगे कि यार मेरे फ़ोन में स्पॉट आ गया है, तो कोई चिंता करने की बात नहीं है, उस कंडीशन में आपको फ़ोन यूज़ करना पड़ेगा, नहीं तो आपको डिस्प्ले चेंज करवानी पड़ेगी। क्योंकि दोस्तों, जो आपने डिस्प्ले लगवाई है पहले, इसमें स्पॉट आया है, वो डिस्प्ले बिल्कुल सही नहीं है, वो बेकार क्वालिटी की है। तो दोस्तों, इससे अच्छा होगा दोस्तों कि अगर आप ओरिजिनल डिस्प्ले लगवाएं, ओरिजिनल डिस्प्ले में तो ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं आती है जो स्पॉट दिखाई दे। ओरिजिनल में आएगा, अगर दोस्तों आप आईफोन यूज करो, आईफोन में ओरिजिनल में सिर्फ पीले ही स्पॉट आते हैं, साइड पीले पीले आते हैं, बस वो होते हैं, लेकिन उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन व्हाइट स्पॉट जो आते हैं वो थोड़े इसमें थोड़े से पत्ते लगते हैं, तो उसमें मज़ा नहीं आता। तो आई होप दोस्तों आपको समझ आ गया होगा कि जब आपके पास कोई फ़ोन ऐसा आता है जिसमें स्पॉट आ रहे हैं, तो कारण दोस्तों यही है कि इसमें कॉपी डिस्प्ले है, जिसकी वजह से निशान इसमें आ चुका है, और या तो फिर डिस्प्ले के नीचे प्रेशर पड़ रहा है, वो भी इसकी वजह से कोई कारण होता है। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कुछ ब्लू कलर के स्पॉट आते हैं, वो दोस्तों वो स्पॉट जो होते हैं, वो डॉट जो आते हैं, वो सिर्फ इसकी वजह से कि कभी डिस्प्ले के अंदर जो प्रेशर पड़ता है, तो आपको उस जगह पे डॉट जो है कि दिखाई देगा। वो अगर डॉट आता है, तो अगर आप उसको प्रेशर डालते हो तो वो डॉट और बढ़ेगा, या तो अगर ज़्यादा प्रेशर डालोगे दोस्तों, वो डिस्प्ले वहाँ से ब्रेक भी हो सकती है, क्योंकि नीचे से कोई चीज़ प्रेशर पड़ रहा है, उसके ऊपर चुभ रहा है, जब भी वो उसमें निशान आ रहा है। दोस्तों, यही जो कारण थे जो होते हैं इसमें आने के, अगर पानी जाएगा दोस्तों, पानी से भी जो ऊपर पानी गिरता है, या फिर ओस होती है, जो जिसमें
सर्दी का मौसम आ गया उसमें ओस लग जाना या बाहर जाना, कहीं पानी आना, बारिश के मौसम में गीला हो जाना, किसी भी तरह का दोस्तों पानी आ जाना, उसका भी कारण होता है कि डिस्प्ले में स्पॉट आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो दोस्तों वही मैं समझा रहा था कि अगर आपके फ़ोन में भी वाइट स्पॉट आ रहे हैं तो उस कंडीशन में आप सोचते हो कि यार ये वाइट स्पॉट कैसा आ गया है, तो इस कंडीशन दोस्तों आप कुछ नहीं कर सकते हो, सीधा इसमें आपकी डिस्प्ले ही चेंज होगी, वो डिस्प्ले ही चेंज होगी। और कोशिश करिए दोस्तों अगर कॉपी डिस्प्ले लगवाते हो तो कोई अच्छी क्वालिटी का लगवा लीजिए, लेकिन कोई दोस्तों कुछ ऐसा होता नहीं है, कुछ पता नहीं कॉपी डिस्प्ले कॉपी होती है, ओरिजिनल ओरिजिनल होती है, कॉपी में तो दोस्तों कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है लेकिन ओरिजिनल में नहीं होती है। दोस्तों अगर कोई दिक्कत आती है तो आपको स्पॉट की, तो आपको डिस्प्ले बदलवानी पड़ेगी, चाहे आप कोई सी भी लगवा लो लेकिन डिस्प्ले ही चेंज होगी, लेकिन ये ठीक स्पॉट नहीं होगा। ओके, अगर कोई अगर मानो दोस्तों डॉट आता है, डॉट के चक्कर में अगर स्पॉट आ रहा है तो आप उसके डिस्प्ले को तुड़वा के दोबारा लगवाएंगे तो शायद ही वो डॉट जाए, अगर कुछ बहुत दिनों बाद आप लगवाते हो तो वो स्पॉट जो है कि परमानेंटली वहाँ पे छप जाएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है दोबारा डिस्प्ले को फिट करवा के। तो दोस्तों आई होप आपको समझ आ गया होगा कि जो वाइट डिस्प्ले में स्पॉट क्यों आता है, वो आपको पता लग गया होगा कि किस डिस्प्ले में आता है, कि क्यों आता है। ठीक है दोस्तों, तो यही था आज का वीडियो जो मैंने आपको बताया है। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो, समझ आई हो, तो प्लीज़ दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।